महाराष्ट्र की इलेक्शन अभी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएंगे और बताइए क्यों आनी चाहिए? ये तो अभी बीजेपी जाएंगी। ओके, तो क्यों बीजेपी आने चाहिए बताओ? क्यों आना चाहिए? क्योंकि महंगाई बहुत कर रहे हैं ना, इसलिए आना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है अनिक रेड्स एंटरटेनमेंट और मेरा नाम है अनिरुद्ध अलोनर। आपको पता है कि मेरा पेड चैनल है, लेकिन आज मैं कुछ नई चीज़ सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन अभी बस अगले महीने है, तो मैं लोगों के पब्लिक ओपिनियन लेने वाला हूँ और पूछूंगा उनको कि उनको इस बार किसकी सरकार चाहिए, अगर उनको सरकार में कुछ बदलाव चाहिए तो क्यों चाहिए, और अगर यही सरकार चाहिए तो इन्होंने क्या ऐसा काम करा कि उन्हें वो सरकार दोबारा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं पूछने वाला हूँ और ये फर्स्ट टाइम मैं बनाने वाला हूँ, तो कुछ मुझसे गलती हो जाएंगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं न्यूट्रल रहूँ, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं, कोई हमसे बात करेगा तो एक एक करके हम बात करते हैं लोगों से। महाराष्ट्र की इलेक्शन अभी है अगले महीने, ठीक है, तो आप किसको वोट देने वाले हो और क्यों वोट देने वाले हो? अरे किसको दे, क्या बताओ, फिर भी आपकी कोई पहले से पंजे को दिया दे के आए, पंजे को दे के आ रहे हैं। ओके, इस बार लेकिन अपनी सरकार तो बीजेपी की है ना, तो इस बार अच्छा काम कर रही बीजेपी ने जो 5 साल हुए पिछले 5 साल? हम लोगों के लिए अच्छा काम है, पैसे दे रहा है, लोगों को मिल रहा है। हाँ हाँ, इस बार लाडली बहन भी चालू कर दिया, तो आपको लगता है कौन है? उन लोगों ने अच्छा काम किया, कर रहे हैं बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, आप बस ये चाहूँगी अच्छा काम कर रहे हैं ना। ओके, ये बना पिछले 5 साल कैसे गए बीजेपी के? 5 साल अच्छे गए। अच्छे गए, तो इस बार किसको वोट दोगे आप? अभी जैसे इसको देने की इच्छा है बीजेपी को। आपने तो कहा ना पंजा को देंगे वोट जेठा, तो अभी पंजा का नाम ही निशान मिट गया ना, अभी हाइस्ट नहीं ना। और जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी जीत गई तो कौन आना चाहिए इस बार मुख्यमंत्री, कौन बनना चाहिए, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या फिर कौन? आप कौन आना चाहिए क्या बता नहीं सकते, बस आप यही चाहते हो कि अच्छा काम करे कोई भी आए ना। हाँ, बीजेपी अच्छा काम करें बीजेपी को देखें। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रभाकर कदम। आपका नाम बताओ? प्रतीक राउत। ओके, और मुझे बताओ कि अभी जो महाराष्ट्र इलेक्शन है अगले महीने, ठीक है, तो आपकी तरफ से क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी की कि पंजाब की? बीजेपी की। बीजेपी की आएंगे, तो क्यों आएंगे ये बताइए, और ये 5 साल तो अपने को नहीं पता। अरे ये बताइए जो 5 साल हुए, ये 5 साल में क्या बीजेपी ने अच्छा काम करा? हाँ। ओके, क्या क्या आप कुछ देखा जी को गिना सकते? काम ये बताता था ना, डेवलपमेंट हुआ है ना, मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है। ओके, और मेट्रो, मेट्रो बनी। हाँ, मेट्रो बनी, बिल्कुल, वो भी पूरे महाराष्ट्र में मेट्रो, मतलब नागपुर में बोल सकते हैं, पुणे, पुणे से भी पहले नागपुर में बनी है। हाँ, सबसे पहले नागपुर में बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें क्या बोलते रस्ते रस्ते का काम भी अभी बिल्कुल, सीमेंट रोड बहुत अच्छे बने, रोड अच्छे बन रहे हैं, पुल का भी काम चल रहा है। और जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार आ गई इस बार, पिछले बार एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक है, तो इस बार अगर जीत गई तो आपको क्या लगता है इस बार किसको खड़ा करना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस या फिर अजित पवार? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहिए। ओके, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम है? प्रतीक राउत। महाराष्ट्र के इलेक्शन है तो अगले महीने इलेक्शन है, तो आप किसको वोट देने वाले? वो गुप्त रहता है, वो गुप्त रहता है, वोट गुप्त रहते हैं, फिर भी एक आपका मत थोड़ा वो वो कैसे बताओ यार, कोई और मेरे पड़ोसी अभी बीजेपी वाले होंगे, मैं कांग्रेस बोलूंगा, जो भी आपकी मर्जी, वो बता नहीं सकता। अच्छा ये बताइए कि जो 5 साल गए पिछले महाराष्ट्र में तो अच्छे गए? हाँ, अभी हम जैसे जा रहे वैसे जा रहे, चाहे कोई भी आए, या बीजेपी है या कांग्रेस है या बीएसपी है और समाजवादी, कोई भी पार्टी है, वो तो अपना तो कोई पूरा करने वाला नहीं, कम ज़्यादा नहीं करने वाला, उनके हाथ में जो है। इस बार जो 5 साल गए वो अच्छे गए? अभी अच्छे ही समझ जाओ, हमारा प्राइवेट जॉब होने के कारण हम अच्छे और बुरे नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट वाले बोल सकते हैं, उनके डी ए पी ए मिल जाता हमको तो एक ही तनख्वाह साल, तो हाँ 4-4 साल 5-5 साल एक ही तनख्वाह फिक्स रहती है। अच्छा, हम क्या बोले उसको? ऐसे मान लेते हैं कि इस बार फिर से बीजेपी आ गई, ठीक है, तो क्या इस बार भी एकनाथ शिंदे वापस सीएम बनना चाहिए या फिर देवेंद्र फडणवीस? वैसे नागपुर के तो देवेंद्र फडणवीस बनने चाहिए कि नागपुर का थोड़ा सा ये करेगा, डेवलप करेगा, क्योंकि घर का आदमी हो जाएगा ना। और बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? दीपक कुक से। महाराष्ट्र की इलेक्शन अभी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएंगे और बताइए क्यों आनी चाहिए? ये तो अभी बीजेपी जाएंगी। ओके, तो क्यों बीजेपी आनी चाहिए ये बताओ? क्यों आना चाहिए? क्योंकि महंगाई बहुत कर रहे हैं ना, इसलिए आना चाहिए, और ज़्यादा बढ़े महंगाई। अच्छा, ये रोस्ट हो गया। अच्छा, हाँ अच्छा, महंगाई और बढ़ने चाहिए। अच्छा,
इस बार महंगाई बढ़ेगी तो लोग ज्यादा कमाने की सोचेंगे, ऐसा है। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो लोग कमाने की नहीं सोचेंगे। मतलब बीजेपी ने बहुत महंगाई बढ़ाई। बीजेपी क्या है, कोई भी सरकार आई तो महंगाई तो बढ़ना ही है, घटना तो है ही नहीं। तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है क्या? तो आमदनी बढ़ेंगी ना, जब अभी पहले 300 रुपये पेमेंट था, आज 500 रुपये डेली विजेस वाले इनको मिल रहा है, तो पेमेंट तो बढ़ा ही है ना। बराबर है। तो जैसे मान लेते बीजेपी जीत गए, ठीक है, तो इस बार भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या फिर देवेंद्र फडणवीस जी को या फिर अजित पवार? नहीं, नितिन राउत है ना, अजित राउत, अजित पवार उसी को बनाना पड़ेगा। एनसीपी के नेता? हाँ, एनसीपी के नेता। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। कोई भी सरकार है सभी अच्छी है सरकार है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जो सरकार थी वो बीजेपी की थी ना, तो 5 साल कैसे गए बीजेपी के? बढ़िया गए। तो अगली बार वापस बीजेपी आना चाहिए? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और अगर आ गई तो किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? वो तो बाद में सोचेंगे। फिर भी आपके हिसाब से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या फिर? अभी कुछ भी बता नहीं सकते सर। जैसे अभी महाराष्ट्र की इलेक्शन है, ठीक है, अगले महीने को महाराष्ट्र के इलेक्शन होने वाले हैं, और आपको पता है कि अभी इस बार मतलब टक्कर की लड़ाई है इस बार, है ना, तो इस बार आपके हिसाब से टक्कर की लड़ाई है? टक्कर की नहीं है, तो क्या लगता है, वन साइड है क्या? देखो, मेरे हिसाब से तो जब तक मेरे को पता है, जैसे अभी जो सरकार ने अभी जो लड़कियों के लिए किया हुआ है उस हिसाब से तो बीजेपी लड़की बन योजना वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि लड़कियों को सहूलतें चाहिए ही थी। आदमी लोग क्या है, अपना कमाते हैं, बराबर अपना खाते पीते हैं, लड़कियों की जो है उनके लिए बेस्ट है वो चीज़ है। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी है। और जैसे आ जाती है तो मुख्यमंत्री किससे बनना चाहिए, एकनाथ शिंदे, अजित पवार या फिर देवेंद्र फडणवीस? एकनाथ शिंदे ही बेस्ट है। पिछले 5 साल में कोई भी एक काम गिना सकते जो भी अच्छा काम करा, कोई भी एक काम? ये तो अभी जो योजना होगी वो तो बेस्ट कुत्ता है, ये तो अभी हुई है। अच्छा, पर बीजेपी? बीजेपी मेरे लिए। क्या नाम है आपका? राहुल। अच्छा लगा आपको बात करके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने कुछ नया चीज़ ट्राई करी, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं फेस्टिवल्स की वीडियो बनाता हूँ, गणपति के, दुर्गा देवी के, दिवाली के, होली के, तो मैंने सोचा कि यार ये तो हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ये मैं लोकसभा के वक्त ही मैं चालू करने वाला था, लेकिन उस टाइम पर ऐसा हो गया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, और ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने कई बार कोशिश करी, लेकिन फाइनली कल वो वीडियो बन गया था, और बहुत अच्छा लगा लोगों से बात करके, उनका ओपिनियन जान के। ज़्यादातर तो लोग बीजेपी के लिए ही अभी वोट दे रहे थे, मैं महल पर गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नागपुर में और भी जगह जाऊंगा, जैसे मोमिनपुरा हो गया, जाफरनगर हो गया, जैसे इतवारी, बर्डी और सदर, मतलब पूरे नागपुर में हर एक एरिया में जा जाके, जरीपटका, हर एक एरिया में जा जाके लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि उनका ओपिनियन क्या है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेके और क्या चाहती है इस बार पब्लिक, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरा न्यूट्रल होके। बस कैसा है कि कोई भी अगर पब्लिक अगर अपना कुछ अपना फैक्ट दे रही है तो आपका काम यही है कि उनके ओपिनियन पे विश्वास मत करना, खुद अपने इंटरनेट से एक बार सर्च करना क्या वो बोल रही है वो सच है कि नहीं, और उसके बाद ही अपना ओपिनियन बनाना और इलेक्शन पे वोट देने जरूर जाना, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, जो भी, क्योंकि अपने जिम्मेदारी होती है कि क्या अपना भविष्य है, तो जिम्मेदारी से वोट देना। और बाकी ये एक महीने में ऐसे ही वीडियोज़ आएंगे पब्लिक ओपिनियन के, पॉलिटिक्स के, उसके बाद भी फिर मैं देखूंगा ऐसी पब्लिक ओपिनियंस जान के। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस नए कंटेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।